टीचर को इतना समय नहीं मिलता है देखने के लिए वीडियो, आ जा दिखाएंगे कभी डांस करके, मैं नहीं मधु। इस पे है बोरा, बोरा में है गेहूं, गेहूं की चावल वा चावल है इसमें, तो आटा बनवाने के लिए जा रहा हूँ मशीन पे, और मेरे साथ में जा रहा है कुंदन। देखते हैं कितना समय लगता है किसने का भाई, साल साल दे साल नहीं छुपा दे यार। अभी सुबह का 9:40 हो रहा है, अभी ब्रश कर रहा हूँ मैं, अभी उठा हूँ बेड से। बात ये है ना, सुबह 4 बजे उठ करके मैं ब्लॉग एडिट किया था, ठीक है, रात में सो गया था जल्दी, तो सुबह 4 बजे उठ करके ब्लॉग एडिट किया, फिर 6:30 बजे तक मैं अपलोड कर दिया, फिर सो गया मैं। तो अभी उठा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ और खाना लगा हुआ है, दिखाता हूँ क्या है खाना लगा, यानी कि नाश्ता। पहले ब्रश कर लेते जल्दी से, लेकिन इधर से पूरा पहले ब्रश कर लेता हूँ। आज है मुरही और ये है छोला, तो आज छोला मुरही चलेगा। मधु तू भी खाएगी? अच्छा वीडियो में नहीं। अच्छा टीचर के पास चला जाएगा वीडियो? मधु नहीं जाएगा टीचर के पास, मैं टीचर को इतना समय नहीं मिलता होगा देखने के लिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मधु बोल रही है जो मेरे टीचर के पास में वीडियो चला जाएगा। टीचर देख लेंगे ना जो मैं घूम रही हूँ। मंगला खल का मंगला, ए मंगला खिचड़ी खाएगा, आजा आजा, टीचर को इतना समय नहीं मिलता है देखने के लिए वीडियो, आजा। टीचर को इतना समय नहीं मिलता है मेरा वीडियो देखने के लिए। तो अभी अभी एक खबर सुनने को मिला है, मधु जो है अच्छा डांस कर लेती है। अच्छा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसा होता है क्या होता है? नहीं, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को सरप्राइज दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अच्छा, और उधर पापा और जो मिस्त्री हैं वो दरवाजा लगा रहे हैं बाथरूम का, देख रहे हैं ना कोमल? हाँ वो तो भूल ही गए, अभी अभी मैंने खबर मिला है सुनने को जो कि मधु के बारे में, ये अच्छा डांस कर लेती है क्या मधु? सही बात है, सही बात है, चलो ठीक है दिखाएंगे कभी डांस करके, मैं नहीं मधु। कहा मधु सही बोले कि नहीं? हाँ यस, अरे भाई साहब अंग्रेजी के तरफ में यस, तोरा भैया भैया के अंग्रेजी नहीं अभी छो, यस माने की होय छे? और ओहो हमरा पते नहीं छाल। यस माने हाँ होय छे, हम बुझे छले ना होय छे। देखियो अपन ऊपर में क्या करबे, नीचे बराबर है तो कहीं ऊपर कर दियो ना, नीचे खाली रह दियो। अभी शाम के 6:57 हो रहा है और सारा दिन ब्लॉग नहीं सुन के थोड़ा सा किया था, और अभी निकल रहा हूँ बाहर, देख रहे अपना सारथी लेके बाहर जा रहा हूँ। इस पे है बोरा, बोरा में है गेहूँ, गेहूँ की चावल वा चावल है इसमें, तो आटा बनवाने के लिए जा रहा हूँ मशीन पे, और मेरे साथ में जा रहे कुंदन, तो दोनों के जा रहे हैं अपना सारथी से। चलो ठीक है माँ, आंगन में मासी चाची शिवानी अंजनी माँ, ठीक है अभी आते हैं आटा बनवा के। पहले तो बोलते हैं आटा पिसवाने जाते हैं, फिर बहुत कोई कमेंट करते हैं भाई साहब आटा नहीं बनता है, माने आटा नहीं पिसता है। अभी जी अभी जी भाई साहब रात को जा रहे हैं रात को, और थोड़ा सा सर्दी भी हो गया मेरे को, बट दवाई नहीं खाने वाला हूँ मैं। रास्ता के जैसे ही अभी भी दवाई नहीं खाऊँगा। आ जा, आ रहा है कुंदन भी आ रहा है, दोनों को जाएंगे लगाता हूँ यहाँ पे सारथी। तो भाई साहब कुंदन भी आया है और पूछ रहा है जो ड्राइव करोगे या करूँ, तो बोले कोई नहीं कहते भाई एक्सपीरियंस है बैठो। हाय, बहुत दिनों के बाद मिले आज, लगभग मैं नहीं करा तो लगभग मैं 4 महीना ज्यादा ही। ठीक है चलो भाई रास्ते में बात करते हैं, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ आने के बाद में देख रहा हूँ जो वो तो बंद पड़ा हुआ है, यानी कि बंद पड़ा हुआ नहीं है, यानी कि बंद हो गया है हम लोग कहने से पहले। क्या कुंदन अभी कॉल कर रहा है भाई साहब, तो
उसके में देखते हैं क्या होता है। थोड़ी सी तो है। हेलो कहीं आता हो ना मिल पा जल्दी आ रहा है हो जाएगा ना चला जाएगा थोड़ी देर के लिए। अब देखिए क्या होता है। आ रहा है फोन किए थे आ रहा है मिल वाला। तो अगर मिल वाला बोलते हैं हम लोग जिनके पास में रहता है ना। हालांकि ये इलेक्ट्रिक वाला है मोटर है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको मिल वाला। जो ये सब करते हैं ना उसको बोलते हैं मिल वाला। तो हम लोग ओवर टाइम में आए ना तो टाइम लेट हो गया लगभग साढ़े सात होने यानी सवा सात होने वाला तो बंद हो गया लेकिन आ रहे हैं। तो फिर पिसा करके फिर निकलेंगे। कुंदन का कुछ सामान भी लेना है जो बल्ब लेना है तो ये बगल में ले लेंगे इधर। हाँ हाँ ठीक। तो भाई साहब कभी सोचे नहीं थे जो कुंदन एक चीज़ आपसे पूछता हूँ आपको लग रहा है ये साइकिल 10,000 प्लस किलोमीटर चल के आया है विश्वास हो रहा है लेकिन करके आया हूँ है ना। बैक रहता तो पता भी चल जाता कितना चलता है साइकिल में तो पता वो तो मेरे यूट्यूब में पूरा ये है ना है ना कि कहाँ कहाँ पता कर सकता है लेकिन ऐसे कहाँ कहाँ सामने से देख कर ये कहाँ कहाँ घूम के आया है ना ये तो जो जो यूट्यूब पे देखे सबको पता चल गया होगा है कि नहीं कुंदन भाई साहब। यही है अपना सारथी। और दिन में ब्लॉग नहीं बना रहे थे ना क्योंकि एक तो उठे थे लेट से प्लस में थोड़ा सा तबीयत ये हो गया है सर्दी हो गया है मेरे को तो मैं रास्ता के जैसे ही मौसम भी और मेरा अभी व्यस्त में आ गया ना शरीर तो इस बार भी दवा नहीं खाएंगे अभी भी दवा नहीं खाएंगे ठीक है। तो ये है अपना साथी आज निकाला हूँ जब से आया हूँ तब से आज ही निकाला हूँ वो भी गेहूँ पिसाने के लिए आया हूँ तब सॉरी चावल पिसाने के लिए आया हूँ तभी निकाला हूँ। कुछ भी नीचे नहीं किया था कुंदन सीट वगैरह सब वही है कुछ भी नहीं सीट टिका दी फट गया ना वो जब बैठते हैं ना तो ऐसे मुड़ जाता है ऐसे मुड़ जाता है तभी फटा है ये सारथी है अपना। और यहाँ पे लिखा हुआ है बाबा जानते हैं सही में जानते थे और जानते हैं ठीक है। तो भाई साहब मिल वाले आ चुके हैं यहाँ पे अपना चावल जो है पीस जाएगा जल्दी ही ये रहे मिल वाले ब्लॉग बना भी कोई दिक्कत नहीं हो तो हाँ तो आगे हैं चले ये ना खोलू ना रोड पे जी ये है चावल जिसको ये भुजा गया है हम लोग बोलते हैं उबा नहीं उलौने हैं चलेगा भी मोटर पूरा मी ही कर दिया ठीक है हाँ मी ही कर दिया पूरा मोटा नहीं रहे भैया गया देखते हैं कितना समय लगता है किसने क्या भाई देखते हैं। 10 minutes later. तो भाई साहब हो गया कंप्लीट। बंद हो रहा है पक्का हो गया देख लेता हूँ कैसा हुआ है। हाँ सही है मस्त है बनो इतना लेट बंद होता है कभी अलकतरा देने से ना वह आवाज कर ना चिड़चिड़ाए है क्या रुपया हो अगला हे वो दिन कहां का पैसा हमने दे दिया 10 रुपया। तो भाई साहब जाने 10 रुपया हो गया है छोटी में हम देते नहीं दो देसी ना दो दे लिया है चलो हम आगे दो दीजिए पकड़ो 10 रुपया लगा है भाई साहब ये आटा बनवाने में। जब हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे ना मामा गाँव में स्कूल जाते थे तब ये मिल चलता रहता था वहाँ पे तो चावल लेकर के खाते थे जो कि बहुत ही अच्छा लगता था। खाए होगी नहीं चावल ले लेकर के इसका तो मशीन ही है तो क्यों नहीं खाएगा है ना कुंदन। तो हम लोग बहुत खाते थे जब स्कूल जाने लगते थे ना तो एक धन्यवाद आके जो हमारे लिए खोल लिए दुकान
सॉरी मिल, ठीक है चलो। जो पैसा बंद हो चुका था समय होने से बंद हो जाता है, और मेरे लिए खोला तो बहुत बड़ी बात है, अच्छा लगा। चलो भाई घुमाओ सारथी, उतर उतर के जब बैठ के जब बैठ के जा ले छी, लो लो चलो बेसी घुमाओ घुमाओ घुमाओ, बोल ले जाए स्टाइल से वो ये साइकिल नहीं घुमा पा रहा है भाई साहब, मेरा सारथी सबके बस का बात नहीं है चलाना। दो मैं चलाता हूँ दो। तो भाई साहब आ गए हैं आटा पिसवा करके, यानी कि गेहूं पिसवा करके। यहाँ पे सारथी अपना उसी पे बंधा हुआ है, यानी कि लदा हुआ है, चावल का आटा है। हम भूलिए जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये है ना गेहूं का पिसवाने जाते हैं, गेहूं का आटा पिसवाने जाते हैं। और आज लगे गए थे चावल, और यहाँ पे बन रहा है सब्जी। कभी की सब्जी है माँ? हाँ इधर आटा तैयार है रोटी बनने के लिए। माँ चाची कुट्टी काट रही है। मंगला से आज नहीं मिला लिए, ए मंगला, मंगला से तो मिले नहीं है। ए मंगला का हाल है मंगला? चाचा का फुर्सत हो जाता है जी, देखता है। ए मंगला का हाल है रे मंगला? मंगला कैसन बारा हो मंगला? आज सारा दिन नहीं मिले मंगला से हम, क्योंकि हम उठबे किए थे 9:30 बजे फिर बरसवा किए, बरस करके फिर सो गए थे। फिर का रे मंगला का खा रहा है? घसवा खा रहा है का? इसको ना माँ के दूध से ज्यादा प्यारा है खिचड़ी, इसके लिए खिचड़ी भी बनता है। तो अगर यहाँ से खोलेंगे ना, अगर वहाँ पे खिचड़ी रखा रहेगा तो उधर नहीं जाएगा, खिचड़ी के पास में दौड़ता है ऐसा है मंगला। का रे मंगला तो बनाओ खाएंगे। तो कितने दिनों के बाद में आई है कोमल। कोमल कथी करिए कही था? और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वही तो ओहो, यहाँ पे है एक कीड़ा, देखिए कैसा कीड़ा है। छू छू साल देख रहे, साल नहीं छू रहे हैं, साल देख रहे इसका। छोड़ दे छोड़ दे उसको, आराम करने दे, आराम करने दे उसको आराम करने दे, क्या करने दे? आराम आराम करने दे। तुम्हारा नाम क्या है? कोमल कुमारी। यहाँ पे खाना आ चुका है आज का, देख सकते हैं। यह है चावल का रोटी जो कि आज पिसाने के लिए गया था, यह है गेहूं का जिसमें घी लगा हुआ है, इसमें भी घी लगा हुआ है, साग और ये छोला। तो ये सब अभी घर पे खाने को मिल रहा है और मस्त लग रहा है। बहुत मिस कर रहे थे ये खाना सबको, रास्ते में कहीं कहीं मिल भी रहा था, कितने जगह पे कितना चला। हाँ हाँ दही तो मेरा फेवरेट है, लाला जलीला, बहुत दिनों के बाद में ये सब खा रहा हूँ ठीक है मिलते हैं। घर का खाना कुछ अलग ही होता है। अभी दरवाजा लग ही रहा है, मैंने जाम किया जा रहा है सीमेंट बालू गिट्टी से, पापा भी उधर ही है, मिस्त्री भी है। तो रात के 12:39 हो रहा है और अभी मैं आउटर शूट कर रहा हूँ, और यहाँ सोने के लिए ब्लॉग एडिट कर रहा था अभी, ठीक है। तो आउटर तो शूट करना पड़ेगा ना, 2 दिन से ब्लॉग में आउटर नहीं दे रहा हूँ है ना, तो वही शूट कर रहा हूँ। और एक चीज़, एक ब्लॉग जल्दी ही आएगा जो मैं क्या क्या सब लेके गया था, क्या क्या सामान सब लेके गया था, प्लस में कितना खर्चा हुआ है इस यात्रा में, यानी कि 4 महीने की यात्रा में क्या सब खर्चा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन याद करने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है, वीडियोस वगैरह सब देख देख करके, ठीक है। तो देखते हैं कितना खर्चा हुआ है वो सब पूरा, जितना याद आएगा उतना ठीक है, नहीं याद आएगा तो कोई बात नहीं, तो जितना याद है वो सब सारा कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, पूरा एक जगह करेंगे और देखेंगे जो टोटल कितना होता है खर्चा, यानी कि टोटल कितना खर्चा कर चुका हूँ अभी तक मैं, यानी कि ये 4 महीने में, 3 महीना 26 दिन या 27 दिन में आए थे घर पे। देखते हैं कितना खर्चा हुआ है अभी तक, उसका ब्लॉग जल्दी ही आएगा। तो अभी आ गए हैं सोने के लिए, मस्त ऊपर में पंखा घूम रहा है, देख रहे हैं ना, मस्त सो रहा हूँ।
पहले ये यहाँ पे देखिए खिड़की है ये, ठीक है। और पहले अगर ऐसा सोते थे ना तो बहुत ज़्यादा डर लगता था, ऐसा खिड़की है कोई ना कोई खड़ा होगा यहाँ पे ऐसा लगता था। लेकिन अभी वो सब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे जगह पहले आए हो ना तो ये सब चीज़ का थोड़ा सा मतलब 50% डर चला गया, ठीक है, मैंने कॉन्फिडेंस था और आ गया। तो पहले बहुत डरते थे, डरते अभी भी हैं लेकिन कुछ हद तक कमा है, ठीक है। आज का ब्लॉग में यही सब था, आशा करता हूँ ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही रोजाना ब्लॉग्स देखने के लिए आज के इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय मैथिली। धन्यवाद यहाँ सबके इतने सारा प्यार देने के लिए।